इनेलो कार्यालय में इनेलो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अगर पिछले 3 साल का प्रदेश सरकार का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 44 से 45% से ज्यादा बच्चे प्रदेश में पास ही नहीं हो पा रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं और उनका परीक्षा परिणाम भी गिरता जा रहा है। अगर प्रदेश सरकार की सही मायने में नौकरियों में पारदर्शिता लाना चाहती है तो उनकी मांग है कि योग्यता के आधार के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी जो पहले 10% वेटेज दी जाती थी उसी आधार पर कमजोर व्यक्ति को नौकरी दी जाए, नहीं तो यह सारी नियुक्तियां बड़े व्यक्तियों के हाथों में चली जाएंगी और गरीब आदमी इससे वंचित रह जाएगा। जिस प्रकार से पहले की सरकारों में यूनिवर्सिटी और गांव में वेटेज दी जाती थी आर्थिक आधार पर, अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार लगातार ठेका प्रथा के जरिए लोगों को नौकरियों पर रख रही है, जिससे गरीब आदमी का हाथ मारा जा रहा है। जो फैसला लिया है कि क्लास सी और डी नौकरियों के अंदर इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया गया, मुझे इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और हरियाणा प्रदेश के अगर पिछले 3 साल के स्कूल शिक्षा बोर्ड के आंकड़े उठा के देखोगे तो 44-45% से ऊपर बच्चे पास नहीं होते, आधे से ज़्यादा बच्चे जहाँ फेल होते हैं और वो जो रिजल्ट में परसेंटेज है वो भी लगातार नीचे है। अगर हरियाणा प्रदेश की सरकार सही मायनों में नौकरियों में पारदर्शिता लगाना चाहती है, सही मायनों में गरीब आदमी जो पात्र लोग हैं उनको नौकरियां देना चाहती है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ठीक है कि योग्यता के आधार पर तो लगाओ, परंतु आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ग्रामीण अंचल के स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें वेटेज दी जाए कम से कम 10%, नहीं तो ये सारी की सारी नौकरियां बड़े लोगों के हाथ में जाएंगी, गरीब आदमी इस नौकरी से वंचित रहेगा। हमारी तरफ मांग है कि सरकार जिस प्रकार पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन के लिए ग्रामीण अंचल में वेटेज मिला करती थी, ठीक इस प्रकार से चाहे वो किसी जाति का है किसी वर्ग का है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको 10% वेटेज दी जाए, क्योंकि जो लोग कोचिंग लेते हैं जो लोग DPS में पढ़ते हैं जो लोग दून स्कूल में पढ़ते हैं जो बड़े बड़े मिलेनियम जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं उनका मुकाबला गरीब आदमी बच्चे जो सरकारी स्कूल के अंदर हैं जो कोचिंग लेने में सक्षम नहीं है जिनको घर के पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं और अगर उनके ऊपर ये टोटल मेरिट को थोप दिया गया तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश का गरीब वर्ग जो सही मायनों में नौकरी का पात्र है नौकरी से वंचित रहेगा। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट, आज न्यूज़।